दोस्तों मेल मर्ज क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा और ये बहुत ही बड़ी चीज लगती है कि मेल मर्ज करना जो है कितना जो है डिफिकल्ट होता है। जी हाँ, ये सुनने में बड़ा लगता है और करने में भी ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा होगा, कितना बड़ा काम होगा, कैसे किया जाएगा, लेकिन ये है कुछ नहीं। अगर देखा जाए तो मेल मर्जिंग का काम जो है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं। अगर आप कोई कंपनी वगैरह चलाते हैं या कहीं ऑफिस वगैरह में काम करते हैं तो आपको इस मेल मर्जिंग की जो है बहुत ही जरूरत है, क्योंकि ये आपके समय को बचा सकता है और बहुत ही कम समय में आप हजारों लोगों के लिए जो है कोई भी लेटर हो आप तैयार कर सकते हैं। मान के चलिए एक उदाहरण ले लीजिए, अगर हम किसी शादी का कार्ड जो है किसी को देने जाते हैं तो आपने देखा होगा शादी का मैटर सेम रहता है, वहाँ पे नाम अलग होता है, एड्रेस अलग होता है, तो सेम उसी तरीके से काम करता है मेल मर्ज। हमारे पास लेटर एक होता है लेकिन हमको भेजना हजारों सैकड़ों लोगों को होता है, तो वहाँ पे क्या करना होता है, हमें अलग अलग नाम डालने होते हैं, उनका अमाउंट डालना होता है, एड्रेस डालना होता है, तब जाके कहीं हम उनको जो है डिस्पैच कर पाते हैं। इसमें बहुत सारा समय लगता है, बहुत सारा जो है टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है मेल मर्जिंग की सहायता से हम हजारों लेटर जो है एक बार में ही तैयार कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में। यहाँ पे आप चाहे तो एमएस ऑफिस में भी बना सकते हैं और चाहे तो आईबीएम का लोटस सिम्पेन चलता है उस सॉफ्टवेयर में भी बना सकते हैं, दोनों में फीचर्स लगभग सेम ही है, क्योंकि मेल मर्जिंग का काम आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसी की सहायता से जो है लोग ज्यादा से ज्यादा वर्क कर पा रहे हैं, जहाँ पे जो है टाइम भी बच रहा है और मेहनत भी कम हो रही है। तो अगर आपके पास कोई लेटर है तो ठीक है, नहीं है तो जो भी लेटर आप बनाना चाह रहे हैं तो उसकी एक सॉफ्ट कॉपी बना लीजिए और उसके बाद जो है एक सीट आपके पास होगी जिन जिनको आपको भेजना होगा। ये तो कॉमन सी बात है कि आपके पास सीट में डाटा तो इकट्ठा होगा ही, मान के लिए हमारे पास कोई 50 लोग हैं जिनको हमको भेजना है तो 50 लोगों की हमारे पास जो है एक्सेल में सीट होगी, तो आप एक्सेल की शीट से भी कर सकते हैं, सिम्फनी चलाते हैं सिम्फनी से भी कर सकते हैं, दोनों में फीचर लगभग सेम ही है। तो यहाँ पे बहुत छोटा सा प्रोसेस है, मैं आपको प्रोसेस करके दिखाता हूँ अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और आपको बता देता हूँ मेल मर्जिंग का काम आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे एक लेटर आप जो है हजारों लोगों तक कैसे भेज सकते हैं अलग अलग नाम से अलग अलग डिटेल के साथ में। तो चलिए दोस्तों फटाफट से जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं हूँ शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना ही यूट्यूब चैनल स्मार्ट पॉइंट। तो यहाँ पर जो है हमने आप लोगों को समझाने के लिए दो सीट बना के रखी हुई हैं। तो सबसे पहले मैंने एक ये सीट बनाई जिसमें मैंने नाम एड्रेस वगैरह सेव किए हुए हैं, जिसका नाम मैंने डेमो रखा है। तो मैं इसे ओपन करके आपको पहले दिखा दे रहा हूँ, तो आप इस तरीके से देख लीजिए मैंने एक छोटी सी सीट बनाई हुई है। आपके पास ऐसी सीट ऑलरेडी होगी, तो यहाँ पर हमने एक नाम दिया है, गाँव का नाम दिया है, डेट दी है और जो है एक मतलब बिजनेस का नाम दिया है और अमाउंट दिया है, क्योंकि इतनी चीज़ें हमें ज़रूरत है डालने के लिए। आप कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये केवल आपको जो है समझाने के लिए बनाया हुआ है। तो आपके पास ऐसी सीट होगी और यहाँ पे नीचे आप देख लीजिए गौर से, ये सीट वन में हमारा डाटा है, सीट टू में ब्लैंक है और सीट थ्री भी जो है ब्लैंक है। मैं आपको एक एक करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए सीट टू ब्लैंक है, सीट थ्री पर क्लिक किया ब्लैंक है, तो जो भी हमने फिटिंग की है वो सीट वन में की है। ठीक है, इसे मैं बंद कर देता हूं और यहाँ पे मेरे पास अभी कोई लेटर वगैरह नहीं है, तो हमारे पास जो एक फेमा का डिक्लेरेशन फॉर्म था, तो फेमा डिक्लेरेशन फॉर्म जो हमारे पास है मैं उसी को ओपन कर ले रहा हूँ। ये भी मैंने जो है कट कर दिया है, यहाँ पे छोटा कर दिया है क्योंकि ज़्यादा लंबा पेज था, तो ये आप मत समझना ये पूरा डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं है, ये केवल आपको डेमो में समझाने के लिए मैंने दिखा दिया है। मान लीजिए आपके पास इस तरीके से कोई भी लेटर है जहाँ पे आपको लेटर सेम रखना है और नाम अलग अलग देने हैं, अमाउंट अलग अलग देना और गांव के नाम भी अलग अलग देने हैं, तो यहाँ पे लेटर आपको सेम ही भेजना है और सारी डिटेल जो है डिफर रहेगी। तो यहाँ पे आप जो है एक ही बार में आप कैसे ये सब कुछ कर सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं मेल मर्ज, जहाँ पे आप एक ही लेटर में अलग अलग जो है डिफरेंट टाइप से जो है बॉक्स जो है फिल कर सकें। तो यहाँ पे क्या करना, देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे प्लेस का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए प्लेस है, तो प्लेस यानी कि जो गाँव है हम गाँव का नाम यहाँ पे डालेंगे। तो कैसे डालेंगे आप इसका समझना थोड़ा सा गौर से, ये हमारा हो गया कोई भी लेटर मान लीजिए, फॉर्म मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे हमें अलग अलग नाम देने हैं और सबको एक ही बार में भेजना है। तो क्या करना, हमें ऊपर जाना है, यहाँ पे देखिए मेलिंग का एक आपको वो दिखेगा, यहाँ पे देखिए ये आ रहा मेलिंग का, तो आपको मेलिंग वाले पे क्लिक कर लेना। मेलिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक आएगा सिलेक्ट रिसिपियंस का, तो यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, जहाँ पे बीच में आएगा यूज एग्जैटिंग लिस्ट, तो यहाँ पे यूज एग्जैटिंग लिस्ट जो आ रहा है इस पर हमें क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए एक पॉपअप पेज ओपन हो के आएगा, जहाँ पे आपसे आपकी फाइल उठाने के लिए बोला जाएगा। तो हमारी फाइल है डेस्कटॉप पे, तो हम डेस्कटॉप पे चलते हैं। देखिए डेमो के नाम से हमारी फाइल थी ये, तो ये एक्सेल सीट जो है हमारी डेमो के नाम से सेव है, तो हमने इसे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कर देंगे ओपन। तो ये हमारी जो है यहाँ पे दिखा देगा कौन कौन सी सीटें हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था हमारी तीन सीटें थी, तो हमारा जो भी डाटा है वो सीट वन में है, अगर आपका सीट टू में हो सीट टू पे क्लिक कर लें, थ्री में है तो थ्री पे क्लिक कर लें। तो
तो हमारा जो भी डाटा हमने फीड किया वो सीट वन में, सीट वन पे सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब आप कैसे पता करेंगे कि हमारा जो डाटा है वो हमारा आया है कि नहीं आया, तो यहाँ पे देखिए ऊपर आपको, तो इसी के बराबर में आपको जो है एक ऑप्शन मिल जाएगा एडिट रिसिपियंस लिस्ट का, तो इस पर आप एक बार क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको सारा डाटा दिखा देगा जो आपने वहाँ पर फिल किया हुआ था। तो ये देख सकते हैं सारे नाम अलग अलग हैं, गाँव अलग अलग हैं और जो है अमाउंट भी सबका अलग अलग है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये प्रीव्यू कर लिया आपने। अब यहाँ पे क्या करना है, ये प्लेस है यानी हमें गांव का नाम देना है, तो यहाँ पे एक बार ही टिक करेंगे और टिक करने के बाद हमको अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको एक ऊपर एक बॉक्स दिखेगा, तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट मर्ज फाइल का आ रहा है, तो इस पर एक बार ही क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉलम जो आपने बनाए हुए थे वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे, जैसे कि मेरे देखिए नाम, प्लेस, डेट, पर्पज और अमाउंट, ये सारे ऑप्शन आ गए हैं। तो हमें यहाँ पे जो है गांव का नाम यानी कि प्लेस फिल करना, तो हम प्लेस वाले पे सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लेस का जो है यहाँ पे आ चुका है। इसी तरीके से नीचे है डेट का, यहाँ पे एक बार टिक करेंगे और फिर से जाएंगे इंसर्ट मर्ज फाइल में, तो यहाँ पे जो है डेट वाले बॉक्स को हम जो है सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए डेट आ गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे जो है पर्पज हमें डालना है कि किस चीज़ का हमारा पेमेंट आता है। फिर से जाएंगे इंसर्ट मर्ज फाइल पे और यहाँ पे हम जो है पर्पज जो हमने डाला हुआ है ऐसे सिलेक्ट करेंगे। देखिए पर्पज डाला तो यहाँ पे देखिए पर्पज आ गया है। अब नीचे आ रहा है अमाउंट के, अमाउंट कितना है, तो अमाउंट हम डालेंगे, तो यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए अमाउंट आ गया है। इसके बाद जो बेनिफिशियरी यानी कि किस नाम से है, तो हमें यहाँ पे अब लेना है नाम, तो हम नाम के लिए फिर से इंसर्ट मर्ज फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे नाम वाले पे सिलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे नाम आ गया है। तो आप देख सकते हैं ये सारे बॉक्स हमारे जो है फिल हो गए हैं, प्लेस में प्लेस आ गया है, डेट में डेट आ गई है और यहाँ पे देखिए आप जो पर्पस है वो भी आ गया है, अमाउंट आ गया है और बेनिफिशियरी का नाम आ गया है। अब यहाँ पर अभी आपको ये केवल वो बॉक्स दिखा रहा है जो हमारे वहाँ पे थे। अब यहाँ पे नाम कैसे आप शो करेंगे, अगर आपको प्रीव्यू करना है कि हमारा ये सही है या नहीं है, तो आप यहाँ पे ऊपर देखिए प्रीव्यू रिजल्ट आपको दिखेगा एक, तो इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए गांव का नाम आ गया है, विलसर, डेट आ गई है और पर्पज़ यूट्यूब आ गया है और अमाउंट ये आ गया है और यहाँ पे बेनिफिशियरी का नाम जो है ये आ गया है। जिस तरीके से हमने सीट बनाई है वहाँ से इसने ये उठा लिया है, तो जिस तरीके से हमने सीट में बनाया हुआ है वो सारी डिटेल इसने उठा ली है। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, अब हमने ये प्रीव्यू कर लिया, इसे बंद कर देते हैं प्रीव्यू को, तो यहाँ पे फिर से वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब लास्ट में आपको मिलेगा फिनिश एंड मर्ज का, तो यहाँ पे जो है क्लिक करेंगे एक बारी, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स का, इस पर एक बारी क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, तीन बॉक्स आपको मिलेंगे, एक तो ऑल का मिलेगा, एक करंट रिकॉर्ड का मिलेगा, एक फ्रॉम का मिलेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है ऑल पे अगर करेंगे तो आप जितने भी आपने सीट बनाई है, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, 200, कोई दिक्कत नहीं, जितने लोगों की आपने सीट बनाई हुई है एक्सेल सीट उतने सारे लोगों के लिए ये लेटर जो है तैयार हो जाएगा। अगर आप जो है जो पेज आपको दिख रहा है इसी का बनाना चाह रहे हैं तो करंट पे कर देंगे और किसी एक के लिए बनाना चाह रहे हैं तो फ्रॉम पे जाएंगे और पेज बाई पेज जैसे आप प्रिंट देते हैं वैसे डाल देंगे, तो 10x10 है या कितने नंबर पे है वो इस हिसाब से डालेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे करेंगे ऑल पे, ये आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए, ऑल पे करके यहाँ पे कर देंगे ओके। ओके करते ही यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट होके आपके सामने आ जाएगी, तो थोड़ा सा नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पे सारी फाइलें दिखाएंगी। आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखते चलना, ये देखिए छेदा लाल आ रहा है यहाँ पे और इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ये दूसरा रघुवंश मिल गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अमाउंट भी चेंज है, गांव भी चेंज है, नाम भी चेंज है। फिर से नीचे करेंगे तो दूसरा आ जाएगा, यहाँ पे देखिए गांव ढीपा हो गया है, राकेश सिंह के नाम से आ गया है, अमाउंट भी अलग हो गया है, नाम, अमाउंट, हर चीज़ आपको अलग मिलेगी जैसा आपके फाइल में था। तो इस तरीके से आपकी एक्सेल सीट में जितने भी नाम ऐड थे उन सब के लिए इसने जो है एक फॉर्मेट तैयार कर दिया। अब यहाँ से आप जो है एक बार में केवल प्रिंट देके सबका जो है रिकॉर्ड अलग अलग निकाल सकते हैं और सबको अलग अलग जो है सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हर एक में आपको अलग अलग मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए रामनिवास है और अमाउंट भी अलग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप अपनी डेमो सीट से मिला सकते हैं, कोई इशू नहीं है, एक एक रिकॉर्ड आपका बिल्कुल सही मैच होके आया है, यहाँ पे कोई भी गलती नहीं होने वाली है। इस तरीके से आप जो है कोई भी मेल मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो आप जो है कंट्रोल पी करके प्रिंट दे दें या जो है डायरेक्ट यहाँ पे देखिए मैंने कंट्रोल पी किया तो प्रिंट के लिए आ गया है। यहाँ पे जो है प्रिंटर अपना सिलेक्ट कीजिए और कमांड दे सकते हैं। डायरेक्टली अगर देना चाहें ऊपर से ही तो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे आएंगे, ये जो बॉक्स सा दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है क्लिक करते यहाँ पे प्रिंट आ गया। प्रिंट प्रीव्यू करना चाहें तो प्रीव्यू कर लीजिए, तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू कर देगा और देख लीजिए आपको हर एक जो है अलग अलग नाम दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे प्रिंट देके और सारे जो है एप्लीकेशन हो, नोटिस हो, कुछ भी हो आपका डाटा, वो आप यहाँ से एक बार में जो है सबके लिए तैयार कर सकते हैं।
इसके बाद जो आप यहाँ से निकाल के और जो है सबका जो है सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारा लेटर आपको जो है बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप मेल मर्जिंग का काम सीख गए होंगे। आप कहीं ऑफिस में वर्क करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, कुछ भी करते हो, आपको अगर इस तरीके के किसी भी काम की जरूरत पड़ती है जहां पे आपको एक लेटर कई लोगों को अलग अलग देना होता है, तो इस तरीके से आप मेल मर्जिंग के थ्रू जो है बहुत ही ईजी तरीके से बहुत ही कम समय में जो है सारे लेटर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है मेल मर्जिंग का काम बहुत ही आराम से कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया दोस्तों प्लीज लाइक से जरूर कर लेना। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे रेड कलर का बटन आपको दिख रहा होगा उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन आएगा उसे भी दबा दीजिए जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करेगा। दोस्तों हमारे चैनल पर एक जो है गिव्वे चल रहा है जो 20 अक्टूबर तक चलेगा जिसमें हम 5 जियो के फोन देने वाले हैं। गिव्वे का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, आप चाहें तो गिव्वे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।